हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पवन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक किराने का बिजनेस, कैसे आप एक मिनी मार्ट मार्ट या कैसे आप एक जनरल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये वीडियो में हम हर एक पॉइंट को बहुत तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आप, तभी आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिल पाएगी। राइट गाइस, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूले। राइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट गाइस, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आइडली नहीं डिस्कस करते, आइडली हम नहीं उसके थ्रू जाते हैं, वो है प्लानिंग एंड रिसर्च ऑफ द मार्केट। जिस भी एरिया में, जिस भी मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको सबसे पहला जो काम है वो आपको एक महीने, दो महीने, तीन महीने पहले इस चीज का करना पड़ेगा। वो है कि आप उस एरिया का तरीके से रिसर्च करिए। आप जिस भी एरिया में दुकान ओपन करने जा रहे हैं, आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो आपके लाइफ की सबसे बड़ी सेविंग हो सकती है। तो आपको सबसे पहले उसके बारे में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने एरिया, अपने जिस भी, जहाँ पे भी आप दुकान ओपन करने जा रहे हैं, वहाँ का आपको तरीके से वहाँ पे रिसर्च करना होगा। और आपको वहाँ पे दुकानदारों से, वहाँ पर जितने भी, अगर आप किराने का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जितना हो सके आप किराने से रिलेटेड लोगों से बात करिए। उनसे आपको डिस्कस करना है कि वो क्या बिजनेस करते हैं, क्या वो, उनको सबसे पहले आपको ये नहीं बताना है कि आप भी इसी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अदरवाइज आपको नहीं बताएंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे, जो कि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका था। बट आपको उनसे पूछना है प्यार से, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको उनसे पूछना है कि सर हम यहाँ पे या किसी और जगह पे हम कुछ और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको, आप उनसे इस तरह से बात करें जिससे उनको कुछ फायदा हो। लेट्स सपोज यू कैन टॉक टू देम कि आप ऑनलाइन मार्ट डालना चाहते हैं जहां, जिसमें आपका भी फायदा हो सकता है, तो मुझे बताइए आपका क्या चल रहा है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एक्स वाई जेड। राइट, तो आपको बेसिकली रिसर्च करना है और प्रैक्टिकली नॉलेज लेना है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट गाइज, ओके। और आप बैठ के अपना एक प्रॉपर शीट बनाएंगे, कितने पैसे लगाने वाले हैं, हर एक चीज को तरीके से आपको डिस्कस करना है अपने आप से, अपनी फैमिली के साथ। राइट, सबसे पहला जो पॉइंट हमने कवर करा वो था, हमें जिस भी एरिया में ओपन करने वाले हैं उस एरिया का हमें रिसर्च करना, उस एरिया का प्लानिंग करना। सेकेंड जो टॉपिक गाइज, वो है हमारा टोटल एरिया आपके दुकान का और बजट एज पर द स्क्वायर फीट। राइट, जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, आपको रेंट का अपने ध्यान देना पड़ेगा, अपने बजट का ध्यान देना पड़ेगा, और कितना बड़ा दुकान आपको चाहिए, इन तीन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट की। रेंट कितना आपके दुकान का होना चाहिए गाइज, जो आपके दुकान का रेंट है वो मैक्स टू मैक्स 2 से 3% या 4% होना चाहिए, उससे ऊपर रेंट आपका नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर रेंट होगा तो आप अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। राइट, सो 3% लेस, सपोज अगर आपके महीने का सेल 1 लाख रुपए, मैं बहुत छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंगली आपका जो रेंट है वो 3,000 रुपए, 4,000 रुपए मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। 4,000 रुपए एकदम मैक्स है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ही, और तब आप लेंगे जब आपको लग रहा है कि ये बिजनेस में, इस जगह पे आप आगे अपना सेल को बढ़ा सकते, तो ही आप इतना रेंट पे करिए, अदरवाइज चूज सम अदर लोकेशन। राइट, सेकेंड जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको लोकेशन का ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो दुकान है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो चारों तरफ से आ रही हो। राइट, आपको एक तरफ, लेट सपोज अगर आपकी एक दुकान है, वो जितना हो सके वो ऐसे जगह पे जहाँ से आप दूर से भी लोग उस दुकान को देख सकते हो, या फिर आप आगे जा करके उस दुकान में मार्केटिंग इस तरह से करिएगा जिससे कि लोग आपके दुकान को तरीके से विजिबल है, रहे लोगों के लिए। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइज। तो हमने बात करी रेंट के बारे में, हमने बात कर लिया कि कहाँ पे आपका दुकान होना चाहिए, इसके अब हम बात करने वाले हैं कि आपको कितने पैसे लग सकते हैं एक किराने का बिजनेस को स्टार्ट करने में। राइट, तो अगर मैं बात करूँ तो ये तो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बजट है। आप जितने पैसे लगाएं किराने के दुकान में, उतना ही आपको अगर रिटर्न मिलने वाला है, नो डाउट है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि इनिशियली आप कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, कोई उसका एक फिक्स अमाउंट नहीं है, आप 50, 10, 1 लाख रुपए से भी एक किराने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं अगर ट्रेडिशनल किराने की दुकान की बात करूं, जो कि मेरे फादर की है, जो कि मेरे पास है, उसको ओपन करने में मेरे जो खर्चे आए थे वो 3 से 4 लाख रुपए आए थे। आप 2 से 3 लाख रुपए में आराम से एक नॉर्मल 300 स्क्वायर फीट 30 गज के एरिया में एक दुकान ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब तो यही से बात आई है कि हम एरिया कितना चाहिए हमें। राइट, तो मेरे ख्याल से जो आपका एक नॉर्मल एरिया होना चाहिए फॉर अ ट्रेडिशनल शॉप, इवन दो मिनी मार्ट के लिए भी, 300 से 500 स्क्वायर फीट का एरिया बहुत बड़ा होगा आपके लिए। अगर आप एक ट्रेडिशनल दुकान ओपन करने जा रहे हैं तो आपके लिए 30 गज का जो एरिया है वो बहुत होने वाला है। अगर आप मार्ट ओपन करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा और बढ़ा ले सकते हैं, बिकॉज मार्ट में गाइस जब आगे आप जितना ज्यादा उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, और मार्ट में आपको अपने इंटीरियर का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके,
सो आपको ध्यान देना है अपने एरिया का, राइट, कि आपके पास इतना एरिया हो कि आप फ्यूचर में अगर दुकान को बड़ा कर रहे हैं तो आपके पास उतना एरिया, थोड़ा बहुत एरिया बचाओ एक्स्ट्रा। मेरा जो दुकान है वो 300 स्क्वायर फीट का है, इनफैक्ट आई थिंक मेरे पास इनफ स्पेस है, और मैं अगर उसे बड़ा करना भी चाहूँ तो वो बड़ा भी हो सकता है और मुझे वो सही एक सही रेंट पे भी मुझे वो मिल गया, राइट गाइस। सो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दुकान ओपन करने जा रहे हैं तो अपना इन चीज़ों का ऑलरेडी पहले से लिस्ट आउट कर लीजिए कि आप कितने पैसे, और अगर आप, मैं बात करूँ मार्ट की, अगर आप मार्ट ओपन करने जा रहे हैं तो मार्ट में आपको सपोज कि अगर आप एक स्मॉल मार्ट ओपन करने जा रहे हैं 300 से 400 स्क्वायर फीट के एरिया में, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपए तक का लेके चलिए बजट, बिकॉज मार्ट में अपार्ट फ्रॉम बेसिक ट्रेडिशनल शॉप के अलावा बहुत सारी चीज़ों पर खर्चे होते हैं, राइट, तो ये खर्चा आने वाला आपके मार्ट के बिजनेस पे, ठीक है। चलिए हम अब आते हैं प्रैक्टिकल बातें पे कि अगर आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं ट्रेडिशनल शॉप की, मेरा बात करने वाला ट्रेडिशनल शॉप की, तो उसमें आपका कितना खर्चा आ सकता है और आपके आपको क्या क्या करना पड़ सकता है उस हर एक सेगमेंट में, कितने पैसे पे करने वाले, राइट। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ ऑल जितने भी आपका आइटम रिक्वायर्ड है एक शॉप को ओपन करने के लिए, राइट। तो जो नंबर 3 टॉपिक है वो है ऑल आइटम रिक्वायर्ड टू ओपन अ शॉप, राइट गाइज। सो हम बात करने वाले हैं कि आप एक किराने की बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनमें आपको कितने पैसे लग सकते हैं हर एक पर्टिकुलर, लाइक सपोज अगर आप फर्नीचर का काम, इंटीरियर काम करवा रहे हैं तो वहां पे कितना पैसा पे करना करना पड़ सकता है, अगर आपको और क्या क्या चीजें चाहिए एक किराने के दुकान को बेसिकली ओपन करने के लिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका दुकान का इंटीरियर। अगर आप मार्ट ओपन करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक इंटीरियर डिजाइनर या फिर आपको एक बहुत ही अच्छा इंटीरियर चाहिए होगा, बट एक ट्रेडिशनल शॉप में आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपका अगर एक नॉर्मल 30 गज का दुकान है, 300 स्क्वायर फीट का दुकान है, तो एक नॉर्मल आप 3 रैक्स बना सकते हैं, 1-2 काउंटर एज पर योर, जैसा भी आपका दुकान का लोकेशन, जैसा भी दुकान का आपके साइज है, जैसा भी आपकी दुकान की विजिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली आप चाहे तो बना सकते हैं। और उसका जो खर्चा आने वाला, मेरा जो खर्चा आने वाला आया है वो तो आया था वो करीब 50,000 to 70,000 था, वो था टोटल इंक्लूडिंग द रैक्स एंड द काउंटर, राइट। मैंने 3 काउंटर्स बनवाए थे, सॉरी इनफैक्ट हमने 2 काउंटर बनवाए थे और हमारा पीछे कुछ रैक्स थे, 3 रैक्स, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 30 गज का दुकान है तो उसमें अगर आप फर्नीचर का काम करवा रहे हैं अच्छे से तो आपको एटलीस्ट 60,000 to 70,000 रुपीज़ का स्पेंड करना पड़ सकता है। बट गाइज मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पे कि आप जिस भी कारपेंटर से अपना काम करवा रहे हैं आपको उससे पहले से ही एक एग्रीमेंट साइन करवा लेना चाहिए, बिकॉज मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने उससे एग्रीमेंट साइन करवाया नहीं, मैंने उससे कुछ रिटर्न मिलिया नहीं, और दैट्स वाई वो आगे जाकर के कुछ पैसों पे हमारे इश्यूज हो गए, राइट। इनफैक्ट मैंने उसको पैसे पे नहीं करा, बट कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा दुकान ओपन करने में हमारा टाइम जो बढ़ गया और बहुत ही हम डिस्टर्ब हुए। तो आपको इसका इस चीज़ का ध्यान बहुत देना पड़ेगा कि आप जिस भी कारपेंटर से दुकान अपना बनवा रहे हैं उससे आप पहले ही रिटर्न में चीज़ें लिखवा लीजिए कि आप ये चीज़ हमें बना करके देने वाले, राइट। इससे आपको आगे जाकर क्योस नहीं मचने वाला। आगे हम बात करने वाले, जैसे कि फर्नीचर की बात कर ली हमने, 60,000-70,000 का खर्च आने वाला है, बट अगर वही अगर आप मार्ट अगर ओपन करने जा रहे हैं तो मार्ट में आपको एटलीस्ट 1-1.5 लाख का खर्च आने वाला है, बिकॉज मार्ट में आप रेडीमेड काउंटर लेंगे, रेडीमेड रैक लेंगे, जो कि ऑब्वियसली बहुत बहुत बेटर होता है आपके लकड़ी के जो भी फर्नीचर होते हैं, रैक्स होते हैं उसके, लेकिन आपका जो कॉस्ट होता है वो भी डबल हो जाता है। अगर हम बात करें रेडीमेड जो भी आपका रैक और काउंटर है उसमें आपको ये फायदा मिलता है कि उसको आप इजीली कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका रेंट का दुकान अगर आपको भविष्य में दुकान को कहीं और लगाना है, अगर आप फ्यूचर में अपनी दुकान को किसी और लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, हर एक पार्ट को ओपन करके इजीली आप ट्रांसफर करके दोबारा से उसको असेंबल कर सकते हैं। सो ये फायदा होता है आप अगर आप एक प्रॉपर बना बनाया अगर चीज़ें लेते हैं, रेडीमेड लेते हैं तो, बट अगर आप बनवा रहे हैं तो आपका ये खर्चा आने वाला, राइट। चलिए हम आगे नेक्स्ट जो चीज़ की बात करने वाले वो आपको जरूरत पड़ने वाली है डीप फ्रीजर की, एक डीप फ्रीजर की और एक विजिकुलर की, जो कि हमारा पेप्सी और अदर ड्रिंक का जो विजिबल फ्रिज होता है वो, राइट। तो ये दोनों चीज़ों को रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है डीप फ्रीजर की। तो गाइस डीप फ्रीजर जितना हो सके उतना बड़ा लीजिए आप, राइट। डीप फ्रीजर अगर आप हो सके तो 600-700 लीटर का डीप फ्रीजर लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ रखनी पड़ सकती है। और डीप फ्रीजर का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि वो बहुत डीप होता है और आप उसके सारे एरिया को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा होता है लेकिन आप उसके हर एक पार्ट को यूज़ नहीं कर पाते। सो वो 600 लीटर का नाम के लिए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत छोटा होता है, उसको हम तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, राइट। अब हम बात करते हैं कि डीप फ्रीजर हो गया, अब हम बात करते हैं विजिकुलर की। विजिकुलर का जो कॉस्ट है गाइस वो आपको पड़ने वाला करीब 20,000 से 25,000 रुपये, और डीप फ्रीजर का कॉस्ट पड़ने वाला आपको 30,000 से 35,000 रुपए। मेरा जो डिफ्रीजर था वो 28,000 का पड़ा था मुझे। अगर आप मार्केट में जाकर के लेकर के आएंगे तो आपको और सस्ता मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ होगी, विजिकुलर
टोटली ऑप्शनल, अगर आपको मार्ट है तो आपको ऑब्वियसली रखना पड़ जाएगा, बट अगर आपका एक ट्रेडिशनल दुकान है तो आपको रखने की उतनी जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं, राइट, ये ऑप्शनल है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, तो अगला जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारा किराने का सामान का, क्या क्या सामान हमें रखना चाहिए और उसमें और कितने पैसे हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किराने का जो सामान गाइस वो तो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, कितने पैसे हैं आपके ऊपर, कितने पैसे आप लगा सकते हैं, 50,000 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा अगर आपका 30 गज का एक दुकान है, आप यहां से रेशियो लगा सकते हैं, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट तो आपको रखना ही चाहिए, तभी आपका दुकान थोड़ा सा भरा सा लगेगा, बिकॉज जो दिखता गाइस वही बिकता है। आप क्या रख सकते हैं वहां पे, किराने की सारी चीजें रख सकते हैं, आप चाहे तो वहां पे थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक रख सकते हैं, आप चाहे थोड़ा बहुत सिलाई के सामान रख सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू, बिकॉज अलग अलग चीजों के अलग अलग मार्जिन होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक है, वो बात करते हैं हम किराने का सामान हो गया जो कि 1.5 से 2 लाख लगने वाला है, अगर वो आप मार्ट ओपन कर रहे हैं तो मार्ट में आप लेके चलिए 3 से 4 लाख रुपए का सामान लग जाएगा, बिकॉज मार्ट में गाइस आपका जो इंटीरियर डिजाइनिंग होगा वो भी अलग होने वाला, छोटे से दुकान को ही आप एक अलग लेवल का स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, बिकॉज मार्ट पूरी तरह से ओपन होता है और उसके अपोजिट जो आपका ट्रेडिशनल होता है वो पूरी तरह से क्लोज होता है, कस्टमर बाहर से आके सामान लेता है, आपको बताता है और आप सामान उसको देते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं दुकान की लाइटिंग की, लाइटिंग पे भी आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जितना हो सके अच्छी लाइटिंग रखिए अपने दुकान की, बिकॉज जो अगेन वही बात आ गई, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो आपको अपने लाइटिंग पे ध्यान देनी बहुत जरूरी है, आप लाइटिंग पे भी अच्छा खासा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते, डोंट वरी फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, ये सारा रिटर्न देगा आपको आगे जा करके, बिकॉज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने दुकान के लिए आप एक स्टूल, एक चेयर और साथ में चाहिए आप तो आप अपने जो भी आपके ओपन सामान है उसको रखने के लिए प्रॉपर से खाने बना सकते, राइट। सो ये तो हम बात कर लिए हमने गाइस कि हमें सामान क्या क्या चाहिए होगा। अगर हमें खर्चे की बात करूँ, अगर आप ट्रेडिशनल शॉप ओपन करने जा रहे हैं दोबारा, अगर आपका 30 गज का अगर आपका दुकान है तो जो खर्चा आपका आएगा वो करीब करीब आपका आने वाला है 2.5 से 3 लाख रुपए का। ये जो मेरा खर्चा है मैं वो बता रहा हूँ, आप इसको घटा और बढ़ा सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे तो 50,000 से 1 लाख रुपए में भी आप किराने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, बट अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप चाहे तो वहां से एक्सपैंड करके उसको वहां तक ले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट मैं आगे जो बात बोलना चाहूंगा वो ये है कि आप जब एक किराने का बिजनेस स्टार्ट करें स्पेशली ट्रेडिशनल, तो जस्ट मेक श्योर कि आप आगे आने वाले 6 महीने तक वहां के बिजनेस के पैसों को बिल्कुल भी अपने काम में, अपने घर के पर्सनल यूज में जगह पे बिल्कुल भी यूज ना करें, तभी आपको बिजनेस आगे तरीके से ग्रो हो पाएगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ना हो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा और आप अगले महीने से वहां के पैसों से आप पर्सनल खर्च कर रहे हो, आप कहीं और भी यूज कर रहे हो, अपने घर में यूज कर रहे हो, तो उस ऐसा करने से आपका दुकान जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है नेम ऑफ शॉप एंड यू नो एन इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने एक दुकान ओपन कर लिया, आपका प्रॉपर दुकान ओपन हो चुका है हर एक चीज़ का, तो जो आपका अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है वो है आपके दुकान का नाम क्या होना चाहिए, राइट। अपने दुकान के नाम पे आप अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करिए, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जितना हो सके आपका नाम आपके दुकान के नाम से अटैच हो, या फिर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। अगर आप एक मार्ट ओपन कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी कूल नेम डालनी पड़ेगी, बिकॉज आगे जाकर के अगर उसको आप ऑनलाइन करेंगे तो थोड़ा सा नाम मैटर करता है, राइट। आप वही घिसी पीटे नाम नहीं रखे दुकान का आपका जो दुनिया रखती है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि अगेन गाइस मैं तीसरी बार एग्जांपल दे रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, आपको अपने 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 दुकान को एज अ ब्रांड एज अ बिजनेस उसको डील करना पड़ेगा, तभी वो आपका तरीके से ग्रो हो पाएगा, ठीक गाइस। और सेकंड जो पॉइंट मैंने बताया वो बताया मैंने कस्टमर एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो आपको दुकान ओपन होने के साथ साथ ही आपको कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में समझना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके दुकान पे हर दूसरा बंदा जो आ रहा है सामान लेने आ रहा है वो बंदा आपके लिए कस्टमर है, तो आप इस तरह से उसको डील करिए जैसे कि आप एक अपने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर डील कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है मार्केटिंग, राइट। कि आप अपने बिजनेस का अपने बिजनेस बना लिए, अब उसको अब टाइम आता है मार्केटिंग करने का। तो मार्केटिंग आप एक किराने की एक नॉर्मल शॉप का एक ट्रेडिशनल शॉप का आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो है वो है कि आपको अपने दुकान का एक प्रॉपर अच्छा बढ़िया बैनर बनाना, राइट। अगर आपका दुकान 30 गज का है तो आपको बाहर के पूरे एरिया को प्रॉपर एक बैनर से कवर करना, वहाँ पे आपका नाम जो भी दुकान का वो लिखना, उसके नीचे आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आप क्या क्या बेचते हैं वो लिखना है। अगर आप डिलीवरी करते हैं तो वहाँ पे वो साइन कर लगवाइए, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हर एक चीज़ को आपको वहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी, इसको मिस नहीं करिए, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते गाइस कि आप चलिए आपने बैनर बना लिया, बैनर के साथ साथ आप चाहे तो अपने बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, कि आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं किसी से बात करने जा रहे हैं
तो आप उस टाइम पे लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, उनको कार्ड भी दे सकते हैं। अगर आप डिलीवरी करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि आप इस नंबर से हमें डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है वो है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, गाइस, राइट। क्या करना आपको, आपको कुछ पैम्पलेट बनवा ले, राइट। पैम्पलेट्स क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपको वो बनाने, वो आप बना सकते हैं करीब 2000 पीस तक बना सकते हैं आप। एक का कॉस्ट आपको मैक्स टू मैक्स 50 पैसे से 1 रुपए का कॉस्ट आपको आने वाला, राइट। तो आप 2000 पैम्पलेट जो बना रहे हैं, 1000-2000 जो बना रहे हैं आपके 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 बजट के अकॉर्डिंगली, आप उस उन पैम्पलेट को, उन फ्लायर्स को आप अपने आसपास के एरिया में जितने भी फैमिलीज रहते हैं उनको जाकर के आपको आपने खुद देना है उनको, राइट। आपको ये फ्लायर्स उनको दे करके आना है, जिसके ऊपर फ्लायर जब बनवा रहे हैं आप उस पर भी ध्यान रखिए कि आपके मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे मेंशन हो। और अगर आप कोई स्कीम ला रहे हैं, अगर आप कोई ऑफर भी लेके आ रहे हैं नए लोगों के लिए, तो वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बिल्कुल उस पर मेंशन होनी चाहिए। और इसको ले जा करके आप अपने आसपास के जितने भी 400-500 हज़ार फैमिलीज हैं उन सबको बांट सकते हैं, उन सबको दे सकते हैं। और आपको खुद ये काम करना और उनसे आपको बात भी करना है कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा है, आप प्लीज़ हमारी दुकान पर एक बार प्लीज़ आइए, राइट। तो इस तरह से आप अपने मार्केटिंग को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने सेल्स को बूस्टअप कर सकते हैं। गाइस एक मैं टिप देना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपका जो गोल होना चाहिए माइंड में कि आपको क्या करना है, वो ये होना चाहिए कि आपको आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको एटलीस्ट 50-100 फैमिली मेंबर को आपको अपना रेगुलर कस्टमर बनाना है, जो आपके यहाँ से A to Z सामान लेके जाए, आपके दुकान से हर एक सामान अपने घर का आपके दुकान से ही लेके जाए, आपके दुकान के अलावा कहीं और से नहीं ले जाए, राइट। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए अपने आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, ओके। सो ये चीजें कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के लिए। होप आपको ये वीडियो में हर चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज आ रही है तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। और मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ऑर्डर कहां से कर सकते हैं, ऑर्डर आप कर सकते हैं उड़ान से या उसके अलावा अपने लोकल एरिया से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको अलग से किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मैंने अपने एंड से बहुत बेस्ट चीजें आपको दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इस, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक दे दीजिए, राइट। और इसको ये शेयर करिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो जो अपना किराने का बिजनेस स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं, चाहते हैं, या आप उनके साथ मिलकर के स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।